है हमारी जो गंदम है ना उसका भी ये जो होता है ना नीचे वाला है, एक ऊपर सिटी होती है ना नीचे जो नाड़ होता है हाँ, ये हमारा भी हाँ गीला है वो सही से नहीं सूखा। ये ऐसे है कि वे देखेंगे जो कि 10 दिन पहले या 5 दिन या 1 हफ्ता पहले जो बिजाई कर लेते हैं तो उनकी गंदम थोड़ी सी पहले फिर कटाई हो जाती है, लेकिन हमारी जिस टाइम कटाई हुई थी अभी बिल्कुल ऊपर से सूख गई है, तैयार है। इंशाल्लाह वे ईद के 1 दिन बाद यानी कि ईद हमने गुजार के दूसरे दिन हमने जो है ना कटाई करा के बांधना शुरू कर देना है। जिस तरीके से ये देख रहे हैं आप बांधे हुए ठीक है, जिस तरीके से ये बांधे हुए हैं ना हमने पहले कटाई करवानी है ट्रैक्टर से, ट्रैक्टर से कटाई होगी, आगे रेपर लगी होती है ना वेस रेपर से कटाई होगी, फिर सुहाना और फौजिया और मैं तो अब्दुल हादी को जो है ना अब्दुल हादी मेरे पास होगा क्योंकि आपके भाई ने ना पूरे रोजे रखे हैं वेस ठीक है, तो अभी ग्रेविटी पूरी होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये लो मेरा एक दिन लग जाएगा ना हमारा एक ही तो जो है ये लो ये बांध के ना रख देंगे इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। अभी चलते हैं वो देखो अब्दुल हादी वो चिड़ी आ रही है, चिड़ी ज्यादा नहीं बोलना चिड़ी आ जाएगी फिर तो। अभी ना चलते हैं वैसे आपको दिखाते हैं कि अदनान भाई ने अपना सूट सिलवाया है ब्लैक कलर का ठीक है, ईद पे पहनने के लिए सिलाई होके आ गया वो आपको दिखाते हैं, और मेरी आप ही के लिए ईद आई है उसकी फैमिली की तरफ से, तो बस अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे। अभी चलते हैं वो भी आपको दिखाते हैं और बस रोजे की तैयारी करते हैं, माहौल दिखा दे बाहर का क्योंकि ये हमारे हमारे गांव में हाँ हमारे गांव में ये पहला हमसायों का घर है जहाँ पे ये कटाई होगी है ठीक है ना, ऐसी डाल ना हो जाए इधर से मैं निकला हूँ इधर से बहुत ही निकली है, देखिए सेम टाइम सेम वक्त सेम पोजीशन है ठीक है, एक मिनट भी कोई लेट नहीं जो है सुहाना, और मेरी जो है सरप्राइज है आप लोगों के लिए इसलिए हम अपनी से शॉपिंग नहीं दिखा रहे, ईद पहने के ना तब जल्द देख लेंगे। पहला नंबर मैंने अपने बेटे के लिए अब्दुल हादी के लिए बस ना टूटने वाला ना खराब होने वाला खिलौना ठीक है, इसको बजाओ तो हॉर्न होता है देखे अच्छा ये भी बजाती है ये चिड़िया है ना, बस ये चिड़िया इसकी आवाज पतली है थोड़ी अच्छा इसमें लाइटिंग भी है ना ये देखना अभी अभी मैं ये रात को बस नहीं ये बस कभी कभी ये जलती है इसकी जलती इसकी तो आवाज ही बहुत ज्यादा है तो सर खा ये इसमें ना लाइटिंग लगी हुई है रात को मैं आपको दिखाऊंगा ठीक है, अभी तो देते हैं अब्दुल हादी को। अच्छा मैंने ना अपना सूट वेयर दिया हुआ था टेलर के पास था यानी कि दर्जी के पास था, ब्लैक ड्रेस आपके भाई ने जो है ना सिलाई करवाया है ठीक है, अब इसको निकालना नहीं खराब हो जाएगा, वैसे भी हुसन की तो इंतहा है लेकिन जब ये ब्लैक कलर में पहनूंगा ना तो और भी माशाल्लाह जो है ना मजे का हो जाएगा। आज क्या हो गया है तो है अभी अभी रोजा करीब है कुछ नहीं होता, चले अभी समय अभी ईद के लिए आ गई है माशाल्लाह आ गई है घर की तो बनाई नहीं है हमने हाँ। ये सेवियाँ आ गई हैं जी ये तकरीबन 3 किलो है हमें बहुत है हाँ, हम इतना ही खाएंगे वाली भी बना लेंगे और देखे मीठी ईद है लोग फिर भी देखेंगे जब ईद का दिन होगा थोड़ी सी सेवियाँ बनाएंगे फिर शाम को खाने में वही चिकन क्योंकि मीठा नहीं खा सकता ना बंदा जितना दिखा की इस बेस्ट। अच्छा आप ही की शॉपिंग है फौजिया दिखाती है तरदीप से मुझे नहीं पता कि आप ही के लिए क्या क्या गिफ्ट आया, तो ये तो वैसे खुशी की बात होती है जब मेरी जो है ना ऐसे बात हुई थी फौजिया को यकीन माने मैंने तो इतनी ईदें दी नहीं है मेरे ख्याल में 2 दफा दी थी ईद दो ईद मैंने दी है फौजिया को और 2 दफा ही सिर्फ ड्रेस दिया था एक ईद पे ही मैंने सूट लेके दिया था दूसरी पे भी मैंने सूट लेके दिया था। अच्छा ये ना ये बहुत बड़ा वो होता है फ्राक है
अभी ये नए फैशन के निकले हुए ना वही उन्होंने दिए है ना। इतना बड़ा गगरा है जी, ये देखें ये गगरा हो गया गगरा हो गया ये इसके ऊपर से पहनने वाली छोटी चोली गगरा चोली है हैं। क्या कहते हैं इसको? लहंगा चोली। अच्छा लहंगा चोली। ये लहंगा चोली जो है ना ईद में आई है, ठीक है। ये इसका दुपट्टा हो गया, हर चीज साथ में। अच्छा ये चूड़ियाँ हैं, चूड़ियाँ भी आ गई हैं माशाल्लाह, और साथ में झुमके भी हैं जी। ये देखें ये सब कुछ ये मैचिंग वाले झुमके हैं साथ में, मैचिंग सब की मैचिंग कर दी है। माशाल्लाह बहुत प्यारी है, सभी चीजें बहुत ही प्यारी है। अल्लाह पाक नसीब करे इनके, ये तो खुशी की बात होती है, वरना आपको पता है कि अदनान भाई ने माशाल्लाह अपनी फैमिली को हाँ इतने अच्छे से रखा हुआ है, देते हैं हर कोई देते हैं भाई आप भी देते हैं, इतने अच्छे से रखा हुआ है, जितना भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूँ उतना कम है। मेरी तो आज मेरे मियाँ ने भी दिया, मैं दिया सुहाना को भी दिया, मी को और मुझे भी। अभी इन्हें क्या दिया इनको, बस थोड़ी सी इन्होंने कोई चीज खरीद करनी थी वो दिए, बाकी इंशाल्लाह ईद के ईद जब ईद नमाज पढ़ के आऊंगा तो इनको फिर ईदी भी दूंगा। और जो है ना एक बहुत बड़ा सरप्राइज है आपके लिए भी है, ईद का बहुत बड़ा गिफ्ट है, ठीक है ना। वो ईद पे अनबॉक्सिंग होने वाली है तो वो भी आपको बताऊंगा कि वो गिफ्ट कहाँ से आया है, ठीक है। वो ईद वाले दिन अनबॉक्सिंग होगी, वो फिर बाद में बताऊंगा किसके लिए, ठीक है। वो सरप्राइज है ना, इन घर वालों के लिए भी सरप्राइज है और आप व्यूअर्स के लिए भी सरप्राइज है, ठीक है। टाइम थोड़ा रह गया, अभी रोजा की तैयारी करते हैं, पानी बनाते हैं, और जो है ना आज कल दो दिन से, कल हमारी खुद की दावत थी, आज फिर से कहीं से जो है ना दावत आ गई है। चावल भी कल भी हमने बिरयानी बनाई थी, चावल ही खाए थे। तो परसों से आपके भाई का थोड़ा गला खराब है, देख लें ऐसे ना थोड़ा थोड़ा सा वो आवाज मेरी भारी हो गई है। चावल गोश्त ये चीजें तो आती रहती है ना। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि मेरी सब बहनें और भाई खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह के वैस हम सब बिल्कुल ठीक हैं। और सबसे पहले मेरे सब देखने वालों को, बहनों को, भाइयों को जो बरूने मुल्क में है, मुझे नहीं पता आपके उधर ईद हो गई है या नहीं हुई, तो मेरी तरफ से आपको एडवांस ईद मुबारक हो। आपने जो नवाफल पढ़े हैं, जो तराबियां रखी हैं, आपको सबका जो है ना जो रोजे रखे हैं, जो भी इबादत की, आप सबको मुबारक हो। बस अल्लाह पाक हमारी ये इस नेक महीने में जो भी इबादत है ना वो अल्लाह पाक कबूल कर ले। गुनाहगार से लोग हैं, बस ये एक जरिया है, तो दुआ कर सकते हैं अल्लाह पाक के आगे, तो इंशाल्लाह जरूर अल्लाह पाक हमारी भी दुआ सुनेगा और जरूर कबूल करेगा। नियत नेक हो, दिल साफ हो। तो माशाल्लाह से मेरी तरफ से सब बहनों और भाइयों को ईद मुबारक हो, अगर है तो होगी है तो। अभी पाकिस्तान वालियों को नहीं है क्योंकि अभी नहीं पता, आज 29 रोजा है, 30 रोजे तो एडवांस से हम सब जो आपको ईद मुबारक कर रहे हैं। पता नहीं है एडवांस ईद जो है ना, कल ईद होती है, आज 29 रोजा है, पता नहीं 30 होते हैं पूरे या नहीं, क्या पता कल रोजा तो, बन जाए। हाँ ये अभी कोई नहीं पता भी, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, आज रात ही पता लग जाएगा। वो बैठेंगे ना कैमरे लगा के, फिर चांद रात है आज बजा देंगे ना हमारे पास, हाँ फिर वो बता देंगे ना अगर चांद नजर आ गया तो, ठीक है। अभी जो है ना रोजे की तैयारी करते हैं और जो है ना पानी शानी बनाते हैं और फिर रोजा खोलते हैं। ओए 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 ओए, ठंडी ठंडी हवा चलती, क्या हो गया अब्दुल आदि? तुम्हारा खिलौना यार, ये बत्तियों वाला खिलौना मैं लेके आया हूँ, आप खेलती नहीं हो इससे, इतना बोर हो गया ना व्यूअर्स, कहता है कि दिखाओ ही ना मुझे। अच्छा इतना व्यूअर्स खा लिया आपके भाई ने, अभी उठ के नमाज पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया, मुझे लगता है कि अभी ना आज एक घंटा नमाज लेट ही होगी। जमात में पहले तो जमात में जाता हूँ ना, हर रोज हमारी मस्जिद में जमात होती है, उधर जाता हूँ, ठीक है। तो अभी टाइम पड़ा है, खैर आधा घंटा रहता है अभी जमात में, तब तक ये थोड़ा हिलूंगा चुलूंगा तो निज़ाम सीधा हो जाएगा, ठीक है। इधर आ जाए हाजी बेटा, अब्दुल हादी इन खिलौनों से इतना बोर हो गया ना, कहता है कि ये ना मुझे दिखाओ ही ना। क्या हो गया, आज खेलते हैं अब्दुल हादी, वो देखो कहता है मुझे नींद आई है। अच्छा ये ऐसे खेल नहीं होता है, अच्छा मुझे नहीं पता था, मैंने कहा शायद ऐसे। अच्छा माशाल्लाह व्याज आज जो है ना प्यारी प्यारी हवा चल रही है, ठीक है। ओ
मौसम बड़ा खुशगवार है। आजी बेटा कहता है सब बच्चे बड़े हैं। हमारी जो है ना जो निम है ना अभी दिन को आपको दिखाऊंगा क्योंकि अभी जो है ना शायद आपको नजर आ जाए। देखें कैसे सब्ज हो गई है, थोड़ा करीब आगे देखें ना आ जाएगी। देखें ना कैसी हरी भरी हो गई है। ठीक है अभी हरी भरी, अभी दोपहर में थोड़ी थोड़ी ना छांव होती है। रात के टाइम में बहुत प्यारी प्यारी ठंडी हवा चल रही है बहुत ज्यादा। ओ फिलाजी सो देखो रा ये भी नींद आई। अब्दुल आजी आ जाओ खेलें। वो कहता है नहीं मुझे नींद आई। आ जाओ चिड़ी उड़ी खेलते हैं। अब्दुल आजी चिड़ी उड़ी खेलें, चिड़ी उड़ी खेलते हैं ऐसे ऐसे हाथ से चिड़ी उड़ी। आजो जाना अबू के पास। हादी बेटा अब्दुल हादी मेरे पास आज नहीं। वो कहता है नहीं वैसे आप पता लग जाता तो भाई हम मेहंदी तो लगा देते ना हाथों में। यार मेहंदी ले आओ लगाते हैं। नहीं अभी कैसे लगाए पता चलेगा ना रोजा बन जाए सुबह फिर। अच्छा मेरा अभी ये नहीं पता कि सुबह रोजा ना बन जाए इसलिए मेहंदी का क्या है वो तो फिर क्या है रोजा रख लेंगे। हम मेहंदी फिर लगाएंगे जब ईद बनेगी ईद रात को लगाएंगे ना। अच्छा सुबह ईद बन गई फिर ये मेहंदी तो नहीं होगी हाथों। अभी बताएंगे ना फिर हम लगा लेंगे। अच्छा पूरी रात तो पड़ी है। हाँ अभी वैसे हमने वेट करना है कि तैयारी करनी है कि नहीं करनी तो इसलिए फिर उसके बाद जो है मेहंदी लगाएंगे। हाँ